झारखंड में जारी जमीन के लूटपाट के खेल अब भी जारी है। जमीन की लूटपाट का ताजा खेल सामने आया है राजधानी रांची जिला से, जहां के चान्हो अंचल क्षेत्र के कुछ दबंगों के नजर पर एक भुहरी जमीन चढ़ी हुई है। इस मामले में पीड़ितों की ओर से चान्हो थाना में एसटी एक्ट के तहत मामला भी दर्ज किया गया है, लेकिन दबंगों की साठगांठ इतनी जोरदार की पुलिस भी इनकी मदद करने को तैयार नहीं है। अपनी जमीन बचाने के लिए पीड़ित पक्ष हर दस्तावेज हाथ में लिए तैयार है। इस मामले में पीड़ित पक्ष का बात जानने ग्राउंड जीरो पर पहुंचे टीवी 45 के स्टेट हेड अभिषेक भारती। अभिषेक भारती, आप टीवी 45 देख रहे हैं और मैं फिलहाल हाईवे पर खड़ा हूं। हाईवे, ये हाईवे आपको सीधा रांची की तरफ लेके जाता है और इधर की तरफ ये हाईवे, मेरी बाई तरफ ये हाईवे आपको डाल्टनगंज लेकर के चला जाएगा, लातेहार लेकर के चला जाएगा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूँ, इस जगह को, इस हाईवे पर चटवल मोड़ कहते हैं, और चटवल मोड़ वो जगह है जो चान्हो और सोस को एक दूसरे से जोड़ती है। मैं यहाँ पर क्यों खड़ा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। मेरे हाथ में एक चान्हो सीओ की एक रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। प्रेषक अंचल अधिकारी चान्हो, सेवा में थाना प्रभारी चान्हो रांची, विषय भूमि संबंधी प्रतिवेदन के संबंध में पत्रांक नंबर है 1770 और तारीख है 10/1/2024। सीओ साहब लिखते हैं कि उपर्युक्त विषय एवं प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में राजस्व उप निरीक्षक और अंचल निरीक्षक से जांच कराई गई और प्रतिवेदित है कि राजस्व ग्राम ओपा थाना संख्या 16 के खाता संख्या 132, प्लॉट संख्या 754, 755 और 756। हालांकि देखिए ये काट करके और पेन से लिखा गया है यहाँ पे, ठीक है, 755, 754, 756, रकबा 28 डिसमिल और 7 डिसमिल और खाता नंबर 128, प्लॉट संख्या 754, खतियानी रकबा 66 डिसमिल की जमीन बकास भुईहरी है, जमींदार शिखा पान वगैरह के नाम। यह भूमि की जमाबंदी इस पत्र के साथ संलग्न है, मतलब ये जमाबंदी है। मैं फिलहाल इसी जमीन के पास हूँ, ये देखिए ये जमीन है। मैं यहाँ क्यों खड़ा हूँ इसको समझाने के लिए पहले आपको भुईहरी समझना पड़ेगा। भुईहरी जमीन को समझने से पहले आपको एक और बात समझनी पड़ेगी, जमीन को ही लेकर के आईएएस पूजा सिंगल जेल में क्यों आय से अधिक संपत्ति का जो मामला था वो तो था ही, लेकिन रांची में जो पल्स अस्पताल है वो भुईहरी जमीन पर था, है, और इसी को लेकर के पल्स को सील किया गया था। भुईहरी जमीन वो होती है जिसको ना खरीदा जा सकता है ना बेचा जा सकता है, यहाँ तक कि भुईहरी जमीन की रसीद काटने का अधिकार सीओ को भी नहीं होता है। भुईहरी जमीन बकास्त खास करके जो होती है वो आदिवासी की होती है, मुंडा पहान जिनको कहते हैं उनकी होती है और उन्हीं के द्वारा पुष्ट दर पुष्ट वो आगे बढ़ती है। ये लोग हैं जिनका दावा है कि ये जमीन इनकी है, लेकिन कोई दूसरा पक्ष भी है जो कह रहा है कि यह जमीन हमारी खानदानी है। वही समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके। भैया क्या नाम है आपका? जगमोहन मुंडा। देव मोहन मुंडा, पकड़िए। खतियान क्या कहता है इस जमीन के बारे में? ये खतियान कहता है कि यह भुईहरी जमीन है, पहान का जमीन है, जो पूजा पाठ करते हैं उसका जमीन है, ना तो ये खरीदा जा सकता है ना तो बेचा जा सकता है। तो सीओ की रिपोर्ट भी यही कहती है? सीओ की रिपोर्ट भी यही कहती है। तो अब क्या हो रहा है इस जमीन पे? इस जमीन में कुछ भू माफिया लोग आके परेशान कर रहे हैं, खेती करने नहीं दे रहे हैं। कौन है? अमरेश कुमार और राहुल रंजन। कहाँ का है ये लोग? है ओपा सोस का है और विपिन कुमार। तो अशुमन साहब, कुछ लोग मुझे बताए कि उनकी खानदानी जमीन है। नहीं, वैसा कुछ नहीं है। सीओ का रिपोर्ट बोल रहा है हम लोग को कि ये शिवा पहान के नाम से है। तो आप लोग इसकी शिकायत किसी के पास गए थे लेके? थाना में गए थे। क्या बोलता है थाना? थाना बुलाया, बोलता है कि केस कीजिए। तो आपकी जमीन आपका है, केस कीजिए। हाँ तो हम केस नहीं करेंगे, मेरा जमीन तो केस हम नहीं करेंगे। कहाँ से कहाँ तक ये जमीन एक बार दिखाइए पिंटू, इधर आइए। देखिए ये हाईवे है और हाईवे से सटी हुई ये जमीन है, कहाँ से कहाँ तक ये दिखाइए। तो ये जमीन उस पेड़ से, इस रोड से,
से चवद्दी पूरा है वहाँ तक है, वहाँ तक पूरा। हाँ जी, धान कितना है? टोटल है एक एकड़ एक डिसमिल है। चलिए तो आप एक बात बताइए, सीओ के पास आप लोग गए थे इसको लेकर के? सीओ के पास हम लोग थाना बुलाया था, ये लोग परेशान कर रहा था, गए थे तो ये थाना ही मांगा है सीओ से रिपोर्ट। अच्छा। यही रिपोर्ट है। तो सीओ भी तो मान रहे हैं? सीओ भी मान रहे की ये भुइयारी जमीन। आप लोग जब यहाँ खेती करने आते हैं तो क्या कहता है? परेशान करता है, मारपीट के भगा देता है। मारपीट के भगा देता? हाँ, धमकी देता है। क्या धमकी देता है? मार देंगे जान से। क्या नाम है भैया? विश्वनाथ पहल। क्या लिए है हाथ में? रसीद लिए, एक खतियान लिए। खतियान का मतलब समझ में आता है? क्या लिखा है उस खतियान में? खतियान मेरा जमीन है तो उसमें लोग बोलता है, विरोध लगाता है जब खेती करने, जब भी आते हैं खेती करने तो हर समय मार पीट कर धमकी देता है, लोग कोल कुकुर बोलता है, उठपटांग गाली गुलज करता है। एक बार घर भी आया था, उसके बाद बोल रहा था कि नहीं सो ऐसा करेगा वैसा करेगा, उठवा देंगे नहीं तो अगर कोई इंसाफ नहीं मिलेगा हम लोग को। अच्छा एक बात बताइए, आप ही बोले जो शब्द आप बोले कि सब ये सब बोलता है, सिर्फ बोलने के लिए आप केस लगा सकते हो लोग ऊपर? एक बहुत ही मजबूत आपको केस का वो मिला है, वरदान मिला है सरकार दिया है, ST SC केस, तो वो सब आप लोग नहीं करने जाते हैं? कैसे करने जाते हैं तो फिर कितना दौड़ धूप करेंगे हम लोग, गरीब आदमी है कहाँ तो कहाँ दौड़ेंगे हम लोग, किसी तरह जी खा रहे हैं, जबरदस्ती यहाँ पैसा लगाया कि कहाँ कहाँ दौड़ेंगे। देखिए हम लोग खतियानी जमीन है, पहना खेती है, साल में हर साल एक मुर्गा लगता है यहाँ पर, रंगा मुर्गा काटते हैं यहाँ पर, फिर भी लोग समझ नहीं रहा है लोग। ये आप देख रहे हैं, देखिए इन कोर्ट ऑफ स्पेशल जज ST SC एक्ट रांची, ST SC नंबर 116/2022, मनीष रंजन, ये आप लोग केस किए हैं सुकरा पान की तरफ से, विश्वनाथ पान, विश्वा पान, केयर ऑफ लेट सुकरा पान। विश्वनाथ पान कौन हुआ? मैं, हम हैं। आप तो केस किए हैं? हैं? केस लगता है लेकिन दर्ज नहीं हुआ अब तक? दर्ज हुआ था। हाँ। हुआ तो लेकिन कोई इंक्वायरी नहीं हुआ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं कुछ नहीं हो रहा है, इसे आदिवासी भूमरी जमीन तो बिकता है ये नहीं है, लेकिन लोग जबरदस्ती आता है और खेती करने देता है, धमकी उनकी मार मार के धमकी देता है लोग। देखिए ये देख सकते हैं, ये DSP पैसा वैसा के अच्छी बोलता है, पैसा वैसा के लिए बोलता है, मांग करता है, वो लोग ऐसा हो गया पैसा के चक्कर में, लोग हम लोग तो गरीब है, लोग पैसा दे दे के केस को और बढ़ा दे रहा है वो लोग। अब भूमरी जमीन है, हर साल यहाँ पर मुर्गा लगता है, मुर्गा पहाल है, पहाल हमें करते हैं विश्वनाथ, पिताजी तो गुजर गए, उसके बाद हम बड़ा भाई है, रहती जमीन है हम लोग का। पहले आप लोग खेती करते थे? हाँ खेती करते थे, लेकिन अभी डर से नहीं कर रहे? नहीं तो अब आता है लोग धमकी देता है, मार देंगे, पीट देंगे, काट देंगे, ऐसा वैसा ऐसे टाइप का बोलता है। क्या नाम है भैया आपका? शिवनाथ। शिवनाथ आप ही है? अच्छा तो ये जमीन आपकी है? हाँ मेरा है। आप लोग कहाँ कहाँ फरियाद की है ये बताइए, आपको याद लगता पहले ही जमीन में कहा था? यहाँ खेती लगाते थे पहले, बुना धान होता था, धान यहाँ पूरा करते थे, यहाँ इधर देखिए पूरा यहाँ खेती उती लगाते थे, बहुत पुराना से जमाना से। हाँ मेरा बाप दादा परियादा में करते थे वो लोग, तो हम भी करते थे। एक बात बताइए तो मतलब कब से दूसरा वाला लोग लोग कह रहे हैं हम लोग का ही खानदानी जमीन है, तो वो लोग कब से आए यहाँ पर तो अपना अधिकार बता रहे हैं? याद है? बाद में ऐसा कर रहा है, बाद में कर रहा। क्या नाम लगो तो? बिरसी पहान। तो कहा कि इमन में सबसे बुजुर्ग तो वही लागे थे, ठीक नहीं? एक बात बताओ तो क्या याद लगो नहीं जमीन कर? याद का नहीं लगता, खेती बाड़ी सब धान बुना कर निकाल जाए, चोखा जाए, काट जाए, हाँ। तो मैंने कब से तो इनके वो जमीन पर उमन आए के कहते हैं कि नहीं हम इनका जमीन है? ढेर दिन हो गया है, ढेर दिन हो गया है, जबरदस्ती कर लाए गए थे हम ये कर जमीन है, कई सब कुछ कर रही है, निकाल चुका है, हर जो कर रही है, क्या कर रही है, वो कर रही है, उनो कर रही, सब कर रही, हम खुद कर रही है। तो खेती कर रही नहीं? हाँ तो क्या धान लगाते? हाँ धान लगाते रहते, कोई रही है खेती। तो देखिए कुल मिला करके बहुत आश्चर्य की आपको मैं बात बताता हूँ, मैं जहाँ पर खड़ा हूँ ये मांडर विधानसभा है, कहने को ये ST विधानसभा है, कि यहाँ का उम्मीदवार कोई आदिवासी ही
रहेगा जो यहाँ खड़ा हो। मैं एसटी विधानसभा के जमीन पर खड़ा हूँ। उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूँ, मेरे पीछे ये जितने लोग आपको दिख रहे हैं ये सब भी एसटी है। उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, इस राज्य के मुख्यमंत्री भी एसटी है। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम चल रहा है, उससे भी इंटरेस्टिंग बात आपको मैं बताता हूँ, राज्य के डीजीपी हर थाने में बोल रहे हैं कि जनसंवाद कार्यक्रम कीजिए, तो भैया कैसे जो है वो एससी एसटी का जो है वो सब नहीं लगेगा। देखिए ये, देखिए ये आवेदन किया गया है इनकी तरफ से चानो थाना में, जांच करता है संजय कुमार सिंह, मोबाइल नंबर इनका ये है, विश्वनाथ पान ने ये केस किया है थाने में, लेकिन अब तक इस मामले में जन शिकायत समाधान कार्यक्रम में कुछ भी नहीं हुआ है। तो भैया चलाते रहिए योजना योजना, करते रहिए योजना योजना, अलवा योजना, जब इनको आप फायदा नहीं दे सकते हैं तो किसको दीजिएगा। सवाल मेरा ये है, हम ये नहीं जानते कि ये जमीन किसकी है, लेकिन मैं ये बात जानता हूँ कि इनको जाति सूचक शब्दों से कोई मायकालाल नहीं बुलाएगा। कोई मायकालाल में औकात नहीं है कि इनको जाति सूचक शब्दों से बोलेगा, जमीन नहीं होगी इनकी। अरे वो तो कोर्ट तय करेगा, वो कानून तय करेगा, मैं ये नहीं कहता, लेकिन इनको जाति सूचक शब्दों से किसी के औकात कैसे हुई कि कोई बोल सकता है? क्यों बोलेगा कोई? देश में संविधान चलेगा, झारखंड में संविधान चलेगा कि खाली लंबा लंबा लप्पा जी चलेगा? तो कुल मिला करके ये जमीन है, ये जमीन इनकी माँ है, इस जमीन में ये खेती करते थे इनका दावा है, जमीन का नेचर खतियान दिखा रहा है कि भूहरी है, इसका दूसरा पक्ष भी आपको दिखाएंगे। हम उम्मीद करते हैं कि कम से कम इनकी समस्याओं पर थाना संज्ञान ले, राज्य के डीजीपी संज्ञान ले, यहाँ के विधायक संज्ञान ले और राज्य के मुख्यमंत्री संज्ञान ले। सहयोगी पिंटू के साथ में अभिषेक भारती, TV45 चानो सोस रांची। और इस पर अधिक बात करने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर स्टेटेड अभिषेक भारती हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, आप ग्राउंड जीरो पर गए थे, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि एसटी विधानसभा क्षेत्र, एसटी सीएम, लेकिन यहाँ पर एसटी पर ही जाति की जा रही है। बिल्कुल, देखिए मैं मांडर विधानसभा का चानो प्रखंड है, चानो प्रखंड कार्यालय से लगभग 1 किलोमीटर पहले चटवल मोड़ पर एक भूहरी जमीन है। अब भूहरी जमीन, बखास भूहरी जमीन, हालांकि कहा जा रहा है कि इस पर कब्जा जो है वो किसी और का है, लेकिन जहां तक मेरी आज तक की स्टडी कहती है कि एक भूहरी जमीन हमेशा एक आदिवासी की होती है। यह जमीन ना किसी को ट्रांसफर हो सकती है, ना इसका रसीद कटता है, ना इस जमीन को मतलब की रजिस्ट्री हो सकती है, सिर्फ यह जमीन एक पुश्त से दूसरे पुश्त में ट्रांसफर होती है। तो ऐसी स्थिति में इस जमीन पर अगर कुछ लोग आकर के रिवॉल्वर दिखा करके और इस तरीके की चीजें कर रहे हैं तो ये बड़ी अजीब सी चीज है। हालांकि देखिए, इस जमीन का जो दूसरा पक्ष है वो भी हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर वो कौन लोग हैं, उनके पास कागजात के रूप में क्या है, लेकिन प्रथम दृष्टया देखिए ये जमीन बकास्त भूहरी है और बकास्त भूहरी में ही फॉरफट का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि कोई जनरल आदमी, कोई सामान्य वर्ग का आदमी बकास्त भूहरी जमीन पर अपना कब्जा कैसे दिखा सकता है, ये तो सवाल ही नहीं उठता। आप इसको इसी तरीके से समझिए कि रांची या पल्स अस्पताल, पल्स हॉस्पिटल भूहरी जमीन पर है और इस भूहरी जमीन को लेकर के कितना हंगामा हुआ, ईडी ने पल्स अस्पताल को सील तक किया, पूजा सिंगल इस मामले को लेकर के जेल तक पहुंच गई, तो आप समझिए कि ये मामला कितना संगीन है, कितना गंभीर है। अच्छा, उससे भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं, गजब की बात, ये जाति सूचक गालियां देकर के और जो वहां पर पीड़ित पक्ष है उसको बोला जा रहा है, हथियार लहराए जा रहे हैं, कहा जा रहा है कि गोली मार दिया जाएगा, यहां तक कि परिवार की औरतों के साथ भी मारपीट हो रही है। तो देखिए अनिकेत, ये मामला बहुत संगीन है। विधानसभा एसटी है, झारखंड एक ऐसा राज्य है, आदिवासी बहुल राज्य है, तो ऐसे मामलों पर अगर सरकार चुप रहती है, प्रशासन चुप रहता है, तो ये गंभीर विषय है। जी बिल्कुल, गंभीर विषय है, क्योंकि यहाँ पर सरकार एसटी की है, उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है इसी तबके के लोग जो है वो दब रहे हैं और उन पर जो है जिस तरीके से जो अब ये दबंग जो है उनकी जमीन का कब्जा कर रहे हैं।
जाहिर सी बात है नहीं क्या? देखिए सब सब गजब की बात है, आप उम्मीद नहीं कर सकते कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आकर के यहाँ मामला सॉल्व करेंगे। मामले को सॉल्व कौन करेगा? मामले को सॉल्व करेंगे यहाँ के सीओ, मामले को सॉल्व करेंगे यहाँ के थाना प्रभारी। जो जन शिकायत को शांग लगा था, जिसमें राज्य के डीजीपी के निर्देश के आधार पर एफआईआर तो लेना ही था, इसके बावजूद देखिए यहाँ पर इन लोगों की ये शिकायत है कि यहाँ एक डीएसपी पैसे मांग रहे थे कि तुम्हारे केस को हम तभी प्रूव करेंगे, तुम्हारे जमीन पर हम दखल भी दिला देंगे अगर आप पैसे दोगे तो। तो समझिए कि ये मामला बहुत गंभीर और बहुत संगीन है अनिकेत, प्रशासन को ऐसे मामले पर संज्ञान लेना ही चाहिए। अनिकेत जी अभिषेक, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।